जो सबसे बड़ा सेठ है, वो तो अपनी लड़की की सगाई में 300 करोड़ रुपया चेक से और 1000 करोड़ बिना चेक के खर्चा करता है एक दिन का लड़की की सगाई का। और जब उससे पूछा जाता है तो कहता मैं तो चैरिटी वेरिटी करता नहीं हूं। 14 तल्ले का मकान है उसका मुंबई में, एक तल्ले पे उसके कुत्ते रहते हैं, एक पे उसके नौकर रहते हैं, एक पे उसकी गाड़ियां रहती हैं। मैं उन्होंने राज किया, उन्होंने तरक्की की, जिन्होंने शिक्षा को तवज्जो दी है। मैं इंग्लैंड की मिसाल सब जगह देता हूं। जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, ब्रिटेन का बजट पेश हो रहा था, प्रधानमंत्री ने सब मदों में कटौती की लेकिन शिक्षा की मद में एक पैसा कम नहीं किया। सारा विपक्ष खड़ा हो गया, उसने कहा कि शिक्षा में पैसा कम क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटे हुए पुल दोबारा बन जाएंगे, मकान दोबारा तामीर हो जाएंगे, कारखाने फिर खड़े कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीरीज खराब हो गई तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी, लिहाजा एक पैसा कम नहीं करूंगा। तो जिन कौमों ने शिक्षा के बारे में ये दृष्टि रखी है वही कौमें आगे बढ़ी है। तो हमारे तो मैं देखता हूं, स्वामी जी जानते होंगे, हमारे इलाकों में तो सारी संस्थाएं, उदयवान जी को पता है, जिनमें हम पढ़े, हमारे पिताजी पढ़े, वो सारे हमारे बुजुर्गों ने दो दो पैसे इकट्ठा करके बनाए थे। सरकार तो कुछ उस वक्त करती नहीं थी। तो अब फिर कह रहा हूं कि कुछ पैसा अपने जो शौक है इसका पैसा निकाल के अपनी शिक्षण संस्थाओं में लगाओ। और देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज इतने बड़े देश के पास 10 या 12 नोबेल प्राइज हैं, जिनमें से 5-6 उनके हैं जो विदेश चले गए थे। एक मदर टेरेसा का है, हमारे तो 5 या 6 नोबेल प्राइज हैं। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी को 100 से ज्यादा नोबेल प्राइज है, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी को 80, 90, 100, 110 नोबेल प्राइज है, क्योंकि वहां एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा होता है और एजुकेशन को लोग तवज्जो देते हैं। रूस जो सबसे बड़ा सेठ है, वो तो अपनी लड़की की सगाई में 300 करोड़